अक्षरधाम मंदिर के पास कल देर शाम एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग कार में लगी है और कार में आग लगने से एक महिला और उनके दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त मां रंजना मिश्रा और बेटियां रिद्धि के साथ 1.5 वर्षीय निक्की के रूप में हुई है। जैसे तैसे जान बचाकर निकले पति ने एक बच्चे को किसी तरह से बाहर निकाला। रविवार की वजह से परिवार घूमने निकला था। चंद मिनटों में आग की लपटों ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही लोकल पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने CNG लीकेज और शॉर्ट सर्किट को आग की मुख्य वजह बताया है। कार में लगा CNG सिलेंडर सुरक्षित बताया जा रहा है। मैकेनिकल टीम को भी कार की जांच के लिए बुलाया गया। बताया जाता है कि अचानक बीच पुल में कार में आग लग गई और कार से लपटे उठकर देखते हुए उपेंद्र ने पीछे बैठी अपनी बच्ची सिद्धि को किसी तरह से बाहर निकाल लिया, लेकिन इस बीच कार में तेजी से आग फैल गई। उपेंद्र अपनी पत्नी व दो बच्चियों को नहीं बचा पाए। देखते ही देखते कार पूरी तरह जलने लगी। राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पूरी तरह से फैल चुकी थी और पूरी तरह से ये कार जल चुकी थी। ये करीबन 6:35 पे हमें कॉल मिली थी कि एक गाड़ी में आग लग गई है। तो जब टीम यहाँ पे मौका पे पहुँची तो पता चला कि जो ड्राइव कर रहे थे उपेंद्र गाड़ी को, और वो अचानक उनकी गाड़ी में पीछे की तरफ आग लग गई, तो वो एक बच्ची जो उनके बगल वाली सीट में थी उसको निकालने में एफर्ट्स कर पाए, बट आग एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनकी पिछली सीट पे जो वाइफ और दो बच्चियां और बैठी हुई थी उनको वो नहीं निकाल पाए।